दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसको आप सोच रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, तो सेबी ने थर्ड वार्निंग दी है और थर्ड वार्निंग के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लॉस होता है और अगर आपके साथ देखिएगा आपका अमाउंट स्टक हो जाता है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, तो देखिएगा सेबी टोटली इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू आपको वार्निंग दे रहा है। अब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चेक कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आप हटा भी सकते हो अपने पर्टिकुलर ऐप स्टोर से, ताकि आप और भी ज़्यादा देखिएगा लालच में ना फंसो, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर भी आप पहुंच जाते हो तो तुरंत आपका पैसा साफ हो जाता है, जो भी कैपिटल होती है आपकी तुरंत देखिएगा साफ हो जाती है। तो सेबी ने सीधा वार्निंग दी है, वार्निंग में इन्वेस्टर को कहा है अगेंस्ट अनऑथराइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देखिएगा अनऑथराइज जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर जो आपके डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर जो आपका अकाउंट्स हैं, अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो देखिएगा यहाँ पर आप खुद अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, खुद लालच की वजह से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज हो रहे हो, और खुद देखेगा जब आप लॉस ले लोगे तो आप खुद ही आओगे कि लाइक अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, तो सेबी भी हो सकता है आपकी यहाँ पे मदद ना करे। तो देखते हैं क्या है, ऐसा क्या है। तो अगर आप देखेंगे जो अनऑथराइज्ड जो भी सेबी के रडार में नहीं है, रेगुलेट में नहीं है, और पूरी तरीके से देखेगा ये अलग जोन में चलते हैं, इनके जो प्लान्स होते हैं, इसकी जो स्कीम्स होती हैं वो गारंटीड होती हैं, जबकि आप गारंटीड कोई भी रिटर्न, अगर आप कोई भी ऐसे ऑथराइज प्लेटफॉर्म हो जो सेबी जिसका रेगुलेटर है, तो आप दे ही नहीं सकते हो, आप टोटली दे नहीं सकते हो, लेकिन लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ही देखेगा इंड्यूसमेंट वाली स्कीम्स यहाँ पे देखिएगा चलाते हैं। और आप देख सकते हैं सेबी ने थर्ड एडवाइजरी, फर्स्ट नहीं, थर्ड एडवाइजरी वार्निंग दी है इन्वेस्टर्स को अबाउट अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग एंड फैंटेसी गेम्स, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब आप देखेंगे कैसे फैंटेसी गेम में आप थोड़ा सा खेलते रहते, उसके बाद आपको ये कर लो तो ये आ जाएगा, ये पैसा डबल हो जाएगा, गारंटीड रिटर्न, इस तरीके के एड्स आने लगते हैं, इस तरीके के देखेगा आपको इंड्यूसमेंट आने लगते हैं, और आप खेलते खेलते ही कब ट्रेडिंग और देखेगा एक इरेगुलर ट्रेडिंग, एक अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग, इन सब की ओर बढ़ जाते हो, अर्ज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ओनली थ्रू रजिस्टर्ड देखिएगा इंटरमीडिएट टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉसेस एंड फ्रॉड। इसीलिए कहता है सेबी कि उन्हीं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करिए जो ऑथराइज है, जो रेगुलेशन में है, जिनके ऊपर आप कार्रवाई भी कर सकते हो, और इसीलिए कंटिन्यू फ्रेश वार्निंग दी जा रही है, ग्रोइंग नंबर ऑफ अनऑथराइज एंटिटीज ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विस थ्रू द प्लेटफॉर्म एंड ऐप्स। इनमें अगर अनऑथराइज ऐप्स में कहीं पर भी आपके पास अगर आप देखिएगा डीमैट अकाउंट आपका हो जाता है, तो आप सीधा आपका पैसा तो जाएगा ही, आपका डीमैट अकाउंट भी बंद हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा इसमें, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा रिस्की ना होता तो सेबी तीन बार वार्निंग ना देता, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो केवल लालच के वजह से होते हैं, लालच के वजह से एम्फसाइज करा है रिस्क ऑफ इंगेजिंग विद अनरजिस्टर्ड सर्विस दैट कुड लीड टू फाइनेंशियल लॉस। मतलब आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, अगर आपको एक दो बार प्रॉफिट दिख भी गया है तो यानी कि बड़ा लॉस होने वाला है, छोटा नहीं, बड़ा लॉस होने वाला है। अगर आप इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से इंडल्ज भी है, तो आप ये कुछ इंडिकेशन दे रहा हूँ कि कुछ अगर आपको बहुत जल्दी मिल रहा है, बहुत शॉर्टकट में मिल रहा है, तो इसका मतलब बड़ा लॉस होने वाला है आपको। फिर अगर आप देखेंगे लेटेस्ट एडवाइजरी में कहा गया है सर्टन ऐप्स वेब प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग, उसके बाद अपने गारंटीड रिटर्न, अपने गारंटीड स्कीम्स में क्या करते हैं, आपको कन्वर्ट करा लेते हैं। अब जब कन्वर्ट हो जाते हो तो आप ये सोचते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से पैसा बनेगा, और बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, इन सब चीज़ों पे देखिएगा गेम बने हैं, और आपको ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग को खेल खेल में कराने के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत सारे लोग
इसका प्रमोशन भी करते हैं। तो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपके अकाउंट्स हैं तो अवॉइड करें। हाँ, भले आप थोड़ा बहुत देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन पैसा डाल के अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अनऑथराइज, तो आपका फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना बहुत है। और ये ऐप और ये कब बंद हो जाएगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कब देखिएगा, इस पर कार्रवाई हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो कॉशियस रहिएगा। राम राम।